तुम्हारा पीरियड्स नहीं आया तो क्या मेरा? मुन्ना अब समझ नहीं पाता है आखिर ये हुआ कैसे। आभा की आज शादी की सुहागरात है। आभा बिस्तर पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। फूलों से रूम को बहुत अच्छे से सजाया गया था। बिस्तर पर फूलों के पंखुड़ियां बिखरे हुए थे। तभी जूतों के टक 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 के आवाज आते हैं आभा के कानों में। आभा उठ खड़ी होती है, देखती है उसके पति उसके सामने आए हुए हैं। अरे आप इतने समय लगा दिए, इतने देर तक कहाँ थे आप? कब से मैं आपका राह देख रही थी। अरे राह देख रही थी तो मैं क्या करूँ, सारा काम छोड़ के तुम्हारे पास ही आ जाऊँ क्या? और मेरा कोई काम धंधा नहीं है, शादी किया हूँ, नौकर थोड़े ना बन गया हूँ। अरे आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही और ना ही कुछ आपसे कहा, बस। चलो छोड़ो, खड़ा मूड खराब कर दी, जाके सो जाओ, मैं जाता हूँ दूसरे कमरे में। अरे लेकिन आज हमारी स्वागत है और आप दूसरे कमरे में क्यों? तो क्या करूँ, यहाँ बैठ के तेरा पैर मलते रहूँ? चुपचाप सो जा। आभा का पति गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। इधर आभा, अरे इन्हें क्या हो गया, आज के दिन भी ये गुस्सा दिखाकर यहाँ से चले गए। कैसे पति है, एक पत्नी को स्वागत के दिन यहाँ अकेले छोड़ के चले गए। दूसरी रोज आभा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू, क्या कर रही हो तुम यहाँ बैठकर? अरे माँ जी कहिए, कोई काम है तो बताइए। कोई काम है? रसोई में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, अभी तक सुबह से नाश्ता तक नहीं बनाई हो, यहाँ बैठी हो पैर में पैर डाले। जाओ जल्दी से किचन जाओ और सबके लिए नाश्ता बना के लेके आओ। जी माँ जी अभी कर देती हूँ। आभा चुपचाप किचन की ओर चली जाती है। मुन्ना और शांति देवी दोनों सोफा पे बैठे हुए थे, तभी आभा आती है नाश्ता लेकर। माँ जी ये लीजिए नाश्ता। ठीक है बहू, यहाँ रख दे और जा खाने का इंतजाम कर, दोपहर को क्या खाना बनेगा वो जाके देख किचन में। शांति देवी का अपने बहू पर कोई अच्छा व्यवहार नहीं था, वो हमेशा ही अपनी बहू को खड़ी खोटी सुनाते रहती थी। अरे माँ तुम नाश्ता कर लो, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। हाँ ठीक है बेटा। एक रोज आभा किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास शांति देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू। हाँ माँ जी कहिए। अरे बहू शादी को तो तुम्हारे काफी दिन हो गए, खुशखबरी कब सुना रही हो मुझे? मुझे भी तो पोता पोती का मुंह देखने का सुख प्राप्त करो बहू। अरे माँ जी मैं कैसे करूँ, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं जब भी आपके बेटे के पास जाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे दूर कर देते हैं, तो मैं कहाँ से? अरे बहू ये सब मुझे मत सुनाया कर, ठीक है ना? और मेरे बेटे का दोस्त तो एकदम मत दिया कर, मेरा बेटा लाडला है और मुझे नहीं पता, मुझे बस खुशखबरी चाहिए जैसे भी हो करके जल्द से जल्द। अब तुम ही सोच लो कैसे। शांति देवी अपनी बहू आभा को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ये माँ समझने को तैयार नहीं है और बेटा करीब आने को तैयार नहीं है, तो मैं बच्चा कहाँ से पैदा करूँ? रात का वक्त हो रहा था, आभा कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी उसका पति मुन्ना वहाँ पहुँचता है। अरे आभा अभी तक तुम सोई नहीं हो, जगी हुई हो, कुछ बात है क्या? हाँ जी आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ जल्दी बोलो, मुझे नींद आ रही है। आपको तो अपनी नींद की पड़ी है और माँ जी मुझे परेशान कर रही है बच्चे के लिए, अब मैं उनको बच्चा कहाँ से ला के दूँ? आप तो मेरे करीब आते नहीं है, तो मैं क्या करूँ आप ही बता दीजिए। ये सब पागल जैसी बातें मेरे पास मत किया करो, और अभी मेरा मूड नहीं है, जाओ जाके सो जाओ, मुझे अभी नींद आ रही है। मुन्ना सोने के लिए चला जाता है और आभा सोचती है, अरे शादी को इतने दिन हो गए लेकिन ये मेरे करीब आते नहीं है, जरूर कुछ बात है, मुझे पता लगानी चाहिए। आभा को भी अब मुन्ना के ऊपर थोड़ी थोड़ी डाउट होने लगी थी। सुबह होने के साथ साथ आभा की नींद खुल जाती है। आभा बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। बगल में मुन्ना सो रहा था, मुन्ना की भी नींद खुल जाती है, वो बिस्तर पर उठकर बैठता है। सुबह हो गई, चलो उठते हैं। मुन्ना उठकर जैसे खड़ा होता है और बिस्तर की तरफ देखता है, उसका होश उड़ जाता है। बिस्तर पर दाग लगे हुए थे, ये देखकर मुन्ना का तो पारा चढ़ जाता है, वो गुस्से से आभा को बुलाता है। अरे आभा आभा
कहाँ हो तुम? इधर आओ जल्दी से। आभा मुन्ना की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचती है। अरे क्या हुआ जी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, वो देखो बिस्तर पर तुमने दाग लगा दियो। थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं है कि वो भी बेच के आ गई हो? थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कैसे रहना है? नहीं है, जल्दी से साफ करो उसे। ठीक है जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ, वो गलती से लग गया, मुझे पता नहीं था। ये कहते हुए मुन्ना वहाँ से चला जाता है और आभा बिस्तर को तुरंत साफ कर देती है। मुन्ना का बर्ताव आभा की ओर एकदम खराब था। आभा को एकदम ये पसंद नहीं आता था क्योंकि उसके पति ही उसका इज्जत नहीं करते थे। शाम का वक्त हो रहा था, शांति देवी और मुन्ना दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी मुन्ना कहता है, अरे माँ शाम हो गई लेकिन आभा अभी तक चाय देने नहीं आई, क्या बात है, कहाँ मर गई है? अरे बेटा तू रुक, मैं अभी देखती हूँ उसे। अरे नहीं नहीं माँ तुम बैठो, मैं देखता हूँ, बड़ी कामचोर हो गई है, हमेशा कमरे में आराम कर फरमाते रहती है, अभी दिखाता हूँ उसे मजा। मुन्ना आभा को बुलाने के लिए जाता है कमरे की ओर। पेट में काफी दर्द हो रहा है। आभा के आज पीरियड्स का दूसरा दिन था, उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो हॉट बैग लेकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कमरे में मुन्ना पहुँचता है। मुन्ना आभा को बिस्तर पर बैठे देख तुरंत गुस्सा आ जाता है। अरे कामचोर कहें कि यहाँ आकर बिस्तर पर बैठी हुई हो, हम लोग कब से तुम्हारे चाय का इंतजार कर रहे हैं, चाय बना कर नहीं ला सकती हो क्या? नहीं जी, वो पीरियड्स आए ना इसलिए मेरे पेट में काफी दुख रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है इसलिए नहीं बना पाई थी। देखो ये सब नौटंकी बंद करो, ऐसा लगता है तुम्हें पहली बार पीरियड्स आए हैं, किसी को और नहीं आता है, चुपचाप मन से उठो और हमारे लिए चाय बना के लेके आओ जल्दी से। ये कहते हुए मुन्ना वहाँ से चला जाता है। आभा इधर दर्द से कराह रही थी लेकिन अस्ता पस्ता कर उठती है, उन लोगों के लिए चाय बनाने के लिए जाती है। एक महीने बाद एक सुबह आभा और मुन्ना दोनों सो रहे थे। आभा सुबह सुबह उठ जाती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तभी मुन्ना का नींद खुलता है, वो उठकर खड़ा होता है और बिस्तर पर दाग देखकर फिर मुन्ना काफी गुस्सा आ जाता है और आभा को चिल्लाकर बुलाता है, आभा आभा जल्दी आओ यहाँ। आभा दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती है। जी जी कहिए क्या हुआ जी? आज फिर से तुम बिस्तर पर दाग लगा दी, ये क्या की? मैंने कहा था ना तुम्हें तमीज से रहने के लिए, लेकिन अभी तक तुम्हारे में तमीज आई नहीं है। लेकिन जी मेरा तो पीरियड्स नहीं आया है, तो फिर दाग? तुम्हारा पीरियड्स नहीं आया तो क्या मेरा? मुन्ना अपने कपड़ों में देखता है कि उसके कपड़ों में पूरा दाग लगा हुआ है। आभा भी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। मुन्ना अब समझ नहीं पाता है आखिर ये हुआ कैसे। अरे अरे ये दाग मेरे में कैसे आ गया, मैं तो एक लड़का हूँ लेकिन मुझे पीरियड्स तो नहीं आ सकते, ये क्या हो गया ये? आभा मुन्ना को समझाते हुए कहती है, अरे 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 शांत हो जाइए शांत हो जाइए, हो सकता है कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे और वो सारा चीज बता देंगे, हो सकता है कोई बीमारी है तो वो दवाई देकर ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत शांत हो जाइए। दूसरी सुबह ही आभा मुन्ना को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। डॉक्टर साहिबा मुन्ना को अच्छी तरह से चेक करते हैं। अरे डॉक्टर साहिबा ये तो बताइए मुझे पीरियड्स तो नहीं आए हैं, ये क्या था जो मेरे साथ हो रहा है? ये आपको पीरियड्स ही आए हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा ये तो एक मर्द है, इनको पीरियड्स कैसे आ सकता है? नहीं नहीं इनको आ सकता है, ये अर्ध नारी है, ये पूरी तरह से मर्द भी नहीं है और नारी भी नहीं है, इसीलिए तो इनको समय पे पीरियड्स नहीं आए, अभी इनका पीरियड्स आना शुरू हुआ है इतने सालों के बाद, क्योंकि ये पूरी तरह से नारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहिबा ये ठीक कैसे हो सकता है? ये ठीक नहीं हो सकता है, ये तो ऊपर वाले की देन है, अब तो आपको ये हर महीने आएंगे और 5 दिनों तक आएंगे, बस आपको इससे अच्छे से केयर करना होगा। आ आ मेरे पेट में दुख रहा है, आ आवा कुछ करो बहुत दुख रहा है पेट। अरे आई आई अभी आई, ये लीजिए हॉट बैग, इसे पेट में रखिए आपको आराम मिलेगा। ओह थैंक यू आभा, तुम मेरे इतना केयर कर रही हो, मैं ही गलत था, मैं सोचता था कि पीरियड्स तो हर लड़की को आते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है,
आज मुझे आया है तो मुझे पता चल रहा है कि कितनी तकलीफ होती है। मैं तो बिना मतलब का तुम पे चिल्लाता रहा, डांटता रहा, लेकिन आज सच में पता चल रहा है कि आखिर क्या दिक्कत होती है लड़कियों को। मुझे माफ कर देना आभा, मैं गलत था, तुम ही सही थी। अरे छोड़िए ना इस बात को अब। और आभा, और एक बात, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कैसा हूँ। मैं क्यों नहीं तुम्हारे नज़दीक आना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम पर इंटरेस्ट नहीं आते थे। अब तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। नहीं नहीं जी, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमारा शादी जिससे होता है हम उसी के साथ रहते हैं। बच्चा तो बाद में भी कभी भी देखा जाएगा, हम बाहर से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। प्यार सबसे बड़ा चीज़ होता है। बस मैं आपके साथ रहूं और हम दोनों प्यार से रहे, यही सबसे बड़ी बात है जी। मुन्ना को आभा का प्यार रियलाइज होता है। वो भी अब आभा से प्यार करने लगता है, उसके केयरिंग से वो भी समझ जाता है कि आभा गलत नहीं थी, गलत तो मुन्ना था। दामिनी और महेश दोनों शादी कर घर आते हैं। तभी घर में उसकी माँ रमा देवी और उसकी बहन शोभा दोनों आरती का थाली लिए उनका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर रमा देवी उनकी बहू दामिनी का अच्छी तरह से आरती उतारते हैं और कहते हैं, अरे बहू अब चलो घर के अंदर आ जाओ। हाँ हाँ भाभी आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। अरे दामिनी जाओ तुम शोभा के साथ घर देखो, तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा के आता हूँ। दामिनी शोभा के साथ घर के अंदर चली जाती है और इधर महेश काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है। आज दामिनी और महेश की सुहागरात है। दामिनी एक फूलों से सजा हुआ बिस्तर जहाँ बैठी हुई थी और महेश का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ महेश पहुँचता है। महेश के आते ही दामिनी खड़ी हो जाती है। अरे दामिनी खड़ी क्यों हो गई? अरे नहीं बस ऐसे ही। अरे आज तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो, क्या बात है। अरे बस करो अब, कितनी तारीफ करोगे, पहले तो बहुत तारीफ किया करते थे। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी? अरे हाँ हाँ वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, एक रोज महेश मार्केट में खड़ा था, तभी उधर से एक सुंदर सी लड़की पैदल चलकर आ रही थी। सभी लोग उस लड़की को देख देख कर हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। अरे देख इसका कोई तमीज भी नहीं है। हाँ सही कह रहा है, एकदम बेशरम है ये। उधर से आ रही लड़की को कुछ पता नहीं था, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे थोड़ी सी शर्म तो कर ले। लेकिन उसे कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन दूर खड़ा महेश ये सब सुन रहा था। और जब गौर से देखता है तो वो देख पाता है कि उस लड़की का दाग लगा हुआ है, उस लड़की का पीरियड्स आया हुआ है, जिसे उस लड़की को कुछ अंदाजा भी नहीं था और समझ में भी नहीं आ रहा था। वो लड़की चलकर आ रही थी, तभी महेश उसके सामने जाता है और उससे कहता है, एक्सक्यूज मी मैम। जी कहिए क्या हुआ? मैम एक काम करिए, आप मेरा ये कपड़ा लीजिए और ये कपड़ा आप शरीर में लपेट लीजिए, तब तक मैं तुरंत आता हूँ, आप साइड में रुकिए। अरे लेकिन मैं आपका कपड़ा क्यों लूं और क्यों लपेटूं? आप कौन है? अरे मैम आपका पूरा कपड़ा दाग से खराब हो गया, सभी मजाक उड़ा रहे, आपको इस बात का ध्यान ही नहीं है, आप एक मिनट रुकिए मैं आता हूँ। क्या? फिर वो लड़की जब अपने आप पर गौर करती है तो उसे पता चलता है कि उसका पूरा कपड़ा खराब हो चुका है दाग की वजह से। अरे ये क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, अब मैं क्या करूँ? आप मेरा ये कपड़ा लीजिए और आप यहाँ रुकिए मैं आता हूँ। फिर वो लड़की महेश का वो कपड़ा ले लेती है और खुद पे लपेट लेती है। महेश वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय में दौड़कर एक पैड लेकर आता है और उस लड़की से कहता है, मैम ये लीजिए पैड, आप कहीं जाकर चेंज कर लीजिए। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको क्या सोच रही थी और आप क्या निकले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं ये कपड़ा आपको कैसे लौटाऊंगी? अरे मैम चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला ने चाहा तो फिर हम मिल जाएंगे, तब आप लौटा दीजिएगा, अभी आप चेंज कर लीजिए जाके। फिर वो लड़की वहाँ से जल्दी जल्दी से चली जाती है और महेश भी वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। शादी के दूसरे दिन दामिनी बिस्तर पे सोई हुई थी कि अचानक से उसका नींद खुल जाता है। अरे लग रहा है मुझे टीयर्स आ गए हैं, अब मैं क्या करूं? वो महेश भी तो काम पे चले गए होंगे,
मैं शोभा को बुलाती हूँ, शोभा को बोलती हूँ एक पैड देने के लिए। फिर दामिनी नीचे उतरती है और जाती है हॉल की तरफ शोभा को बुलाने के लिए। दामिनी हॉल में आती है और शोभा को आवाज लगाती है। शोभा, शोभा किधर हो तुम? अरे भाभी मैं यहाँ हूँ। फिर दामिनी शोभा के पास जाती है और शोभा से कहती है, अरे शोभा एक पैड देना मुझे। लेकिन भाभी मेरे पास तो पैड नहीं है, क्या तुम एक्स्ट्रा नहीं रखती हो कभी? अरे नहीं भाभी मैं तो पैड यूज नहीं करती, मैं तो कपड़ा यूज करती हूँ। अरे कपड़ा यूज करने से हमें बीमारियाँ हो सकती है, और तुम कपड़ा यूज करती हो, पैड यूज किया करो। इतने में रसोई में काम कर रही रमा देवी तुरंत अपनी बहू की बात सुनकर वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, अरे बहू क्या हो गया? वो कुछ नहीं माँ जी, वो पैड के लिए मैं बोल रही थी शोभा को। अरे बहू हमारे घर में कोई पैड नहीं यूज करता, सब कपड़ा यूज करते हैं, और तुम भी कपड़ा यूज किया करो। लेकिन माँ जी कपड़ा यूज करने से तो बीमारियाँ होती है। अरे नहीं नहीं बहू कोई बीमारी नहीं होती है, हम तो बुढ़ा गए कपड़ा यूज करते करते। तुम आज की बहू आई हो नया पैड यूज करने वाली, जाओ वहाँ गंदा कपड़ा रखा हुआ है साफ कर लो और उसे यूज कर लो। लेकिन माँ जी। अब लेकिन उकिन कुछ नहीं, जाओ जो कहा वो करो। दामिनी अपनी सास के सामने और कुछ नहीं बोल पाती है और वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त हो रहा था, मुकेश कुछ दोस्तों के साथ अपने घर आया हुआ था। मुकेश की शादी में ये दोस्त नहीं आ पाए थे, इसीलिए उसके साथ मिलने के लिए आए थे। इधर दामिनी रसोई में सभी के लिए कुछ खाना बना रही थी और नाश्ता लेकर आ रही थी। अरे दामिनी थोड़ा जल्दी तो आओ। हाँ जी आ ही गई, पहुँच ही गई। फिर दामिनी सबके लिए नाश्ता तैयार की थी, वो प्लेट सामने टेबल पर रखते हुए कहती है, ये लीजिए आप लोगों के लिए मैं कुछ नाश्ता बनाई हूँ, आप लोग चख के देखिए कैसा हुआ है। दामिनी को देखने के बाद मुकेश के दोस्तों का मुंह उतर जाता है अचानक से। अरे क्या हुआ यार, मेरी बीवी अच्छी नहीं है क्या कि ऐसे ही देखते तेरा मुंह उतर गया? अरे नहीं नहीं बहुत अच्छी है, लेकिन। लेकिन क्या यार? अरे भाभी जी जरा आप उधर जाइए, मुझे अपने दोस्त के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर दामिनी वहाँ से चली जाती है, तभी उसका दोस्त महेश से कहता है, अरे यार वो तो सब ठीक है, तेरी बीवी देखने में भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा स्वभाव तो सिखा, देख उसका पूरा कपड़ा गंदा हो गया है, पूरा दाग लगा हुआ है, कैसे आ गई यार, कितना घिन आ रहा है मुझे। हाँ हाँ यार अच्छा नहीं लगा, चल ठीक है बाद में मिलते हैं कभी और। फिर महेश की दोस्त वहाँ से उठकर चले जाते हैं। महेश को इस बात का काफी बुरा लगता है, वो तुरंत दामिनी के पास जाता है। दामिनी रसोई में कुछ काम कर रही थी, तभी वहाँ महेश पहुँचता है और कहता है, अरे दामिनी ये क्या कर दी तुम, कैसे कपड़े पहन के आ गई, पूरा कपड़ा में दाग लगा हुआ है, मेरे दोस्तों के सामने कितनी बेइज्जती फील हुई, थोड़ा सा भी तो अपना ख्याल रखा होता। अरे अरे वो मैं तो देखी नहीं, अरे मैं क्या करूं, मैं तो सुबह बोल रही थी कि मैं पैड यूज करती हूं, लेकिन मम्मी जी ने मुझे पैड यूज करने से मना कर दिया, इसीलिए शायद मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाके साफ करके आती हूं। दामिनी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, वो तुरंत वहां से चली जाती है। एक रोज दामिनी कमरे में थी, तभी वहाँ शोभा आती है। अरे भाभी क्या कर रही हो? अरे शोभा आओ आओ। फिर शोभा अब दामिनी के पास जाती है और दोनों मिलकर बैठकर बातें करते हैं कि अचानक से शोभा के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। भाभी बहुत जोर से पेट दुख रहा है, क्या हुआ? क्या हो गया शोभा, अचानक से तुम्हारा पेट क्यों दुखने लगा? नहीं पता भाभी बहुत जोर से दुख रहा है। शोभा का पेट काफी जोरों से दुखने लगता है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। अरे शोभा 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 क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी मम्मी जी। जल्दी से दामिनी की सास दामिनी की आवाज़ सुनकर कमरे में आती है। अरे बहू क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे मम्मी जी देखिए ना, शोभा हमसे बात कर रही थी और अचानक से बेहोश हो गई, उसका पेट दुखने लगा था बड़ी जोर से, अब मैं क्या करूँ? अरे शोभा बेटी, अरे शोभा बेटी उठ उठ बेटी, क्या हो गया तुझे? शोभा माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके महेश को डॉक्टर लाने के लिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ बहू जल्दी कर, जल्दी बुला। फिर दामिनी जल्दी जल्दी से वहाँ से जाती है महेश को बोलने के लिए डॉक्टर लाने के लिए। कुछ ही समय बाद महेश डॉक्टर को लेकर अपने घर पहुँचता है।
अरे डॉक्टर साहब देखिए ना मेरी बेटी का क्या हो गया है, जल्दी से देखिए ना। हाँ हाँ थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं देखता हूँ अभी। फिर डॉक्टर काफी देर शोभा को चेकअप करने के बाद पूछता है, अरे आप लोगों के घर कहीं गंदगी वगैरह भी रहता है क्या? अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई गंदगी नहीं है हमारे घर में, पूरा घर साफ सुथरा है। अरे इसे गंदगी के कारण काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है जिस कारण ये हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं ये गंदा कपड़ा यूज करने से तो नहीं हुआ है ना? क्या आज के जमाने में भी आप लोग गंदा कपड़ा यूज करते हैं? पागल ओगल हो गए क्या? हो सकता है इसी कारण से हुआ है, कभी भी गंदा कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए, पैड यूज किया कीजिए। अरे डॉक्टर साहब लेकिन हम लोग तो जमाने से कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अरे माँ जी किसी को कुछ नहीं हुआ इसका मतलब किसी को भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है, इसीलिए ये गंदा कपड़ा यूज करना बंद कीजिए और पैड यूज किया कीजिए, तब इस बीमारी से बचा जा सकता है। आज ये दुर्दशा उसी के कारण हुई है, मैं दवाई लिख देता हूँ, अच्छे से इसे खिलाइएगा, ये कुछ ही दिनों में फिर से स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन अब से कपड़ा यूज करने नहीं दीजिएगा, ख्याल रखिएगा इसका। ठीक है डॉक्टर साहब, अब से ध्यान रखूंगी। डॉक्टर साहब कुछ दवाई लिख देते हैं, फिर महेश डॉक्टर साहब को छोड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी दामिनी की सास दामिनी से कहती है, अरे दामिनी बहू मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी, मैं तुझे भी जबरदस्ती गंदा कपड़ा यूज करने के लिए बोल रही थी और आज मेरी ही बेटी की ऐसी दुर्दशा हो गई, मुझे माफ कर देना, अब से तुम लोग पैड ही यूज करना। अब दामिनी की सास को भी समझ में आ गया था कि इस दशा में गंदा कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए, जिससे कि काफी सारी बीमारियां हो सकती है, पैड यूज करके इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है।